हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वीडियो ऑन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। अवर टुडेज टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑन फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन एंड वायरलेस ट्रांसमिशन लाइन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द लर्निंग आउटकम। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम, दैट इज़ इंटरप्रेट द पैरामीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम, अंडरस्टैंड द फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन एंड अंडरस्टैंड द वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। तो इस वीडियो से आपको फैक्ट क्या होता है और वायरलेस पावर कैसे ट्रांसमिट किया जाता है ये सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ फैक्ट लाइन। इसी को आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्स और द एडवांटेजेस ऑफ फैक्ट्स भी आप बोल सकते हो। फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ बेटर स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्ट क्या होता है। बाय यूजिंग पावर कौन से डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज़ करके आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे फैक्ट, दैट इज़ द फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट। तो सेमीकंडक्टर इज़ नथिंग बट द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, सो बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर और IGBT और MOSFET भी आप यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल द पावर। तो जब आप टर्न ऑन टर्न इन करते हो थायरिस्टर को, थायरिस्टर भी आप फैक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो इसका कंट्रोल करके आप पावर को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि उससे क्या होगा, आपका वोल्टेज कंट्रोल होगा, करंट कंट्रोल होगा एंड फेज एंगल कंट्रोल होगा। तो उस वजह से आपका रिएक्टिव पावर एज वेल एज एक्टिव पावर भी कंट्रोल होगा। अगर आपका वोल्टेज एंड फेज एंगल कंट्रोल होता है तब आपका रिएक्टिव पावर भी कंट्रोल होता है, और उससे क्या होता है, आपके जो वोल्टेज की स्टेबिलिटी होती है या ट्रांसमिशन लाइन का पूरा पावर कंट्रोल करने के वजह से उसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फैक्ट। फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन लाइन हैज़ बेटर स्टेबिलिटी, लोड फ्लो कंट्रोल इज़ बेटर, इन फैक्ट लाइन वोल्टेज ड्रॉप इज़ लेसर विच हेल्प फॉर द बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। इसके वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, कम होता है। अदर लाइन हैज़ लेंथ लिमिटेशन बट इन फैक्ट लाइन पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अदर डिवाइसेस अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके वजह से जो लेंथ का हमें लिमिटेशंस आता है, लेकिन इन फैक्ट में हमें लेंथ का लिमिटेशन नहीं होता है, हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। इन सच लाइन्स देयर इज़ अ इंक्रीज पावर फ्लो ऑन द गिवन लेंथ ऑफ लाइन, दे रिड्यूस द पावर डिलीवरी कॉस्ट, जो इसकी कॉस्ट भी होती है वो कम होती है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फैक्ट कंट्रोलर। तो बेसिकली इसके चार टाइप है, सीरीज कंट्रोलर, शंट कंट्रोलर, सीरीज कंट्रोलर एंड सीरीज शंट कंट्रोलर। तो सीरीज कंट्रोलर में आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो, शंट कंट्रोलर में आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, एंड इन दोनों के दो कॉम्बिनेशन है, वन इज सीरीज एंड वन इज सीरीज शंट कंट्रोलर। तो हम देखेंगे पहले सीरीज कंट्रोलर। तो यहाँ पे एक थायरिस्टर लगाया हुआ है, तो उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको एंड दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द प्राइमरी साइड जिसको हम बोलते हैं सेंडिंग एंड, दिस इज़ द रिसीविंग एंड। तो ये जो कंट्रोल कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन को, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इट इंजेक्ट द वोल्टेज इन विद द लाइन। सो इसका जो वोल्टेज एंड करंट का एंगल होता है वो कितने डिग्री में रहेगा, 90 डिग्री। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइन करंट। इसका जो कंट्रोल है वो सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, करंट उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। सो रिएक्टिव ड्रॉप, इससे क्या होता है, जो रिएक्टिव पावर होता है वो कम होता है, और रिएक्टिव पावर को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। देन हम देखते हैं शंट कंट्रोलर, ये कनेक्टेड होता है पैरेलल अक्रॉस द लाइन।
द करंट ऑफ सच कंट्रोलर कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली. इससे आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? करंट को कंट्रोल कर सकते हो. रिएक्टिव पावर कैन बी इजीली कंट्रोल. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल इंपिडेंस, वेरिएबल करंट सोर्स. तो इससे शंट कंट्रोलर से आप किसको कंट्रोल करोगे? करंट को कंट्रोल करोगे. देन सीरीज सीरीज कंट्रोलर, तो इन सी यहाँ देख रहे हो आप दो कंट्रोलर कनेक्टेड है, तो इसको इसीलिए हमने बोला है दो सीरीज को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. इन सीरीज कंट्रोलर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज कंट्रोलर इज यूज्ड. द कॉमन डीसी लिंक इज प्रोवाइडेड. क्योंकि इससे जो पावर फ्लो होता है वो दोनों डायरेक्शन से होगा. बोथ साइड पावर फ्लो बिटवीन द सीरीज टर्मिनल. बोथ पावर दैट इज रियल पावर एज वेल एज रिएक्टिव पावर, दोनों पावर को आप कंट्रोल कर सकते हो. सीरीज और शंट से आपने सिर्फ रिएक्टिव पावर को कंट्रोल किया था, यहाँ पे एक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव यानी रियल एंड रिएक्टिव दोनों पावर को आप कंट्रोल कर पाओगे. देन हम देखेंगे सीरीज शंट कंट्रोलर. तो एक जो कनेक्टेड है वो पैरेलल में है, दैट इज द शंट कंट्रोलर एंड दिस इज द सीरीज कंट्रोलर. सीरीज शंट कंट्रोलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट कंट्रोलर. बाय मीन्स ऑफ द सीरीज एंड शंट कॉम्बिनेशन डीसी लिंक प्रोवाइड रियल पावर एक्सचेंज. यहाँ से जो पावर एक्सचेंज हो रहा है दिस इज नथिंग बट द एक्टिव पावर. सो अब हम देखते हैं न्यू ट्रेंड्स इन वायरलेस ट्रांसमिशन. तो बिना कंडक्टर का यूज़ करे बिना आप पावर को ट्रांसमिट कर सकते हो. इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स टू एंड इलेक्ट्रिकल लोड विदाउट कंडक्टर. पावर सोर्स से लोड तक आप पावर फ्लो कर सकते हो विदाउट यूज़ कंडक्टर. देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड लोड. सोर्स एंड लोड में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहेगा. इन सम क्रिटिकल इंस्टॉलेशन लाइक हजार्डस लोकेशन. अगर कोई क्रिटिकल इंस्टॉलेशन आपको करना है कोई जगह पे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है अच्छी स्पेस और आपको डिफिकल्टी जा रही है क्या बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन करने के लिए बाय यूजिंग कंडक्टर, तो इन सच अ केस आप वायरलेस पावर ट्रांसमिशन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. इट इज़ नॉट सेफ. सो वायरलेस ट्रांसमिशन इन हजार्डस लोकेशन में इलेक्ट्रिकल वायर से पावर ट्रांसमिट करना सेफ नहीं होगा, तो आप वहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ कर सकते हो. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज. बाय यूजिंग इंडक्शन इफेक्ट से आप कर सकते हो, बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से कर सकते हो, या फिर लेजर से भी आप कर सकते हो. सो हम देखते हैं अभी समरी. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? फ्लेक्सिबल एसी कंट्रोल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन उसके टाइप्स कौन से हैं, सीरीज कंट्रोलर क्या कंट्रोल करता है, शंट कंट्रोलर क्या कंट्रोल करता है, ये हमने देखा. अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज हमें मिल रहा है. देन PO6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आप इंडिविजुअली प्रोजेक्ट करोगे तो पावर ट्रांसमिशन का आप मॉडल बना सकते हो, तो आपका PO6 सेटिस्फाई होगा. जब भी आप पावर सिस्टम पे वर्क करोगे तो आपको इसका नॉलेज यूज़फुल है, दैट्स वाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग PO सेटिस्फाई हो रहा है. और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को मेंटेन करना है तो फैक्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है. सो आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.